अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम सभी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, सर्दियों में सूप पीने का अपना ही मज़ा है। अगर आपको सर्दी ज़्यादा लग रही है तो आप भी सूप पिए बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन बेटा जाना तो है ना इसकी टीचर से, हमने होमवर्क भी लेना है इसका और इसको बताना भी है टीचर को, इसकी तबीयत नहीं सही। ये जी अनाया और अब्दुल करीम का स्कूल है और इन फ्यूचर से अबीरा का भी होगा इंशाल्लाह ताला। इतनी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ की कि बंदा थक जाता है चल चल के। ये तो एमिरेट्स एयरपोर्ट से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे। हैं, इतनी वीक हो गई है मानो। डीपीएस स्कूल है साहिवाल का, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये तो, अभी दूसरा हिस्सा भी नहीं है। आई विश के पत्तों के में भी डीपीएस होता, जावी के लिए मुझे परेशानी ना होती। बहुत अच्छा सिलेबस, बहुत अच्छा स्कूल है, बेस बहुत अच्छी बनती है यहाँ पे। अब हम अब्दुल करीम की क्लास की तरफ जा रहे हैं। अब्दुल करीम चाहता नहीं था कि हम इसकी क्लास में जाएं, क्योंकि मुझे लगता है इसको रिजल्ट की टेंशन है। कह रहा है बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, मत जाओ थक जाओगे। मुझे शक हो रहा था कि अब्दुल करीम चाहता नहीं है कि हम जाएं उधर। अबीरा और जावियार जो गाड़ी में बैठे हुए हैं, इतनी ठंडी हवा है, अच्छा हुआ कि वो लोग नहीं आए। धूप तो निकली हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है। अबीर की इनकी क्लास तो आने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत तेज चली गई, लग रहा है कि अब्दुल करीम वाला साइड जो है ना सारी क्लियर हो चुकी है, सब लेके जा चुके हैं, टाइम भी ओवर हो चुका है। सब टीचर्स वाइंड अप कर रही थी जब हम लोग पहुँचे हैं। 11 बजे तो सो के उठे, उठाया ही नहीं किसी ने, नमाज पढ़ के सो गए थे सब लोग। जो आपके साथ आपकी क्लास वाली टीचर बोल रही थी ना कि वाइंड अप करने लगे थे बस। बस ये वहीं पे है ना जहाँ पे आपकी पहले क्लास हुआ करती थी। ये प्री सेक्शन है, बहुत दूर है प्री सेक्शन। इनको एंटर में रखना चाहिए था, मतलब एंट्रेंस में रखना चाहिए था, ताकि बच्चे छोटे होते हैं इतने हैवी बैग्स होते हैं उनको उठाने में मसला ना हो। ये जूनियर स्कूल आ गया, जाने दो जाने दो। बस पहुंचने वाले हैं। क्लास में तो पहुंच गए हैं लेकिन टीचर मौजूद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके हैं। टीचर्स का भी कसूर नहीं है, वाइंड अप कर दिया सब कुछ उन्होंने। ये अब्दुल करीम का क्लासरूम है जी। क्या मिल गई है टीचर? आज स्टाफ रूम का है जी। तो मीटिंग अटेंड कर ली मैंने, अनाया की टीचर से तो मैंने मिल लिया था लेकिन अब्दुल करीम की टीचर से मैं मिलके डिटेल में बात नहीं कर सकी थी, क्योंकि हम लोग लेट हो चुके थे। 11:30 बजे क्लोजिंग हो चुकी थी, हम लोग घर से ही 11:15 बजे निकले थे, तो आते आते हमें तकरीबन 5 से 10 मिनट लग चुके थे। डीपीएस स्कूल में एडमिशन लेना किसी बड़े टास्क से कम नहीं है। हमारी फैमिली का पहला बच्चा था जब हमने अनाया का एडमिशन कराना था, तो हमें तो कुछ ज़्यादा पता भी नहीं था। एक तो इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है कि आपको जो है क्लियर करना होता है, वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं और कुछ भी वो रैंडमली पूछ सकते हैं। तो अनाया को बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करके उसको तैयारी करवाई थी, सबकी ख्वाहिश थी, स्पेशली अहमद भाई यानी अनाया के चाचू की, उसके पापा की, हमारी सबकी ख्वाहिश थी कि अनाया का एडमिशन डीपीएस स्कूल में हो। और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी मेहनत रायगा नहीं गई थी, अनाया का पहली बार में ही एडमिशन हो गया। परेशानी जावेद, आपने अनाया के स्कूल में पढ़ना है, डीपीएस में पढ़ना है, फिर आपको साहिवाल में रुकना पड़ेगा, दादा के पास रुकना नहीं पड़ेगा, फिर यहाँ पे रुकना पड़ेगा। कहाँ पढ़ना, पत्तों में पढ़ना है या साहिवाल में पढ़ना है? हैं, पत्तों में। साहिवाल में पढ़ ले, साहिवाल में अच्छे स्कूल है। नहीं, पत्तों में ही पढ़ना है। जाके आपके स्कूल का पता करते हैं, पत्तों का बच्चा। दिल मेरा रोशन हुआ, रोशन आंखें दीने मुझे को पैदा किया, जोड़ी सबसे प्यारा मिले मदीने में है, मैं मदीने की जानी बना कैसे खी।
और दुनिया मदीने में है मेरा दीना, और दुनिया मदीने में है। माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। ये क्या था? टू मच मनी। नाया को जी इनाम मिला है, वो इतने सारे सारे गवर्नमेंट अदारे हैं ना। हाँ। ये एक सीट है और ये अभी आने वाले ना और दस के ऊपर बोलो। हाँ, बहुत नाम है आखिर इसका। जैसे अभी वो तो जानबूझ के कह रही थी कि ताकि आप लोगों से सामना ना हो। जैसे एसबी है ना, एसबीएल अनम को फोन किया कि ना दो, ये तीन और ये मैं चार। कल बड़ी बोर से देख रही, इतनी लंबी लंबी लाशें कहाँ से निकल के देखे। मेरा बैग गिर गया बेटा। हाँ ना, पांचवी बीरा ये तो होता पहला। वो अंकल देखे। ओए हाँ, कोई बात नहीं। और वो मेरी मम्मा। इतने लोग बैठे थे हम लोग, दिल में जगह होनी चाहिए। हीरा ने बिल्कुल बात सही कही है। मम्मा मुझे भी आइसक्रीम बनाना। अच्छा, दिल में जगह होनी चाहिए। गाड़ी या बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। आप लोगों के सामने मिसाल कायम की है। हमने छः बंदे पीछे से निकले हैं होंडा सिटी में से। हम इसमें से लेते हैं ना, इस लीटर बैग में से। वो टूटी वो। हाँ जी जनाब, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं शकूर आइस बार पे आए हैं। इतनी ठंड में कुछ ठंडा और मीठा खाने को दिल चाह रहा था, तो बस हमने सोचा कि आइसक्रीम खाते हैं। हमने आइसक्रीम मंगवाई और इनका जो है कोल्ड कॉफ़ी ट्राई की, और साथ में हमने मंगवाया था कौन सा था, फेज चॉकलेट। तो अब मैं आपको मैं बताती हूँ कि आपने अगर जाना है तो क्या क्या खाना है। इनकी एक तो आइसक्रीम बहुत अच्छी है, और ये वाला जो फेज चॉकलेट है ये बहुत, या चॉकलेट फेज है शायद, ये बहुत टेस्टी है। बट कोल्ड कॉफ़ी बिल्कुल ही फजूल थी, उसमें से ऐसे धुएं की स्मेल आ रही थी, कॉफ़ी की तो स्मेल ही नहीं आ रही। ऐसा होता है कि जब भी मेरा साहिवाल का चक्कर लगता है, हम लोग आउटिंग लाजमी करते हैं, क्योंकि निमरा, हिरा और आमना मेरा वेट करती रहती हैं। उन्होंने तभी निकलना होता है बाहर जब मैं आती हूँ। तो बस हम लोगों ने खाना तो खा लिया था, ग्रीन कढ़ाई बनाई थी वकास ने, वो हमने खाई। हमने राइस भी खा लिए थे, तो इसीलिए कुछ ठंडा और मीठा खाने का बस मूड था, तो वो हम खाने के लिए आ गए। वो भी शायद ना आते लेकिन सिर्फ निमरा की खातिर हम लोग आए हैं सब यहाँ पे। वो निमरा का दिल था, उसने बोला बाजी मैं आपका वेट कर रही थी, आप आएँ तो हम चलेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, आप कल जा रही हैं वापस। फिर बस हम आ गए। तो जब हमने कॉफ़ी टेस्ट की तो वो बिल्कुल बेकार लग रही थी। हिरा ने बोला कि इससे अच्छा था बाजी हम लोग कुछ और खा लेते, हम लोग कुछ पिज़्ज़ा या कुछ बर्गर्स वगैरह खा लेते। तो मैंने सोचा चलो हम ये भी खा लेते हैं। उसके बाद जी हम लोगों ने उल्टा किया है, लोग मीठा बाद में खाते हैं, हम लोगों ने मीठा पहले खाया, उसके बाद हम पिज़्ज़ा खाने के लिए आ गए। तो पिज़्ज़ा असल में हम बच्चों की खातिर आए थे यहाँ पे। अबीरा और जावियर को बहुत ज़्यादा शौक है, निमरा और आमना की खातिर हम लोग सब आए थे यहाँ पे। जब आप कहीं ऐसी जगह पे जाते हो तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और बच्चों को देख के खुशी होती है कि चलो जी बच्चों ने इंजॉय कर लिया है, हमारे लिए यही बहुत होता है। एनीवेज जी, काफ़ी दिन से मैं प्रॉपर तरीके से एंडिंग नहीं कर पा रही थी। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। जैसे मैंने आपको DPS स्कूल कभी विज़िट करवाया, मैंने आपको अगर आपके बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं आप तो डिटेल्स चाहिए, आपको कैसा सिलेबस होता है, कैसी क्वेश्चनिंग करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और जी जहाँ भी रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस, आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंच सकें। मिलेंगे नई रेसिपी नए व्लॉग के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।